अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेरी स्पेशल डे। आज मैंने शहजाद के लिए बहुत मज़े मज़े की दो डिज़र्ट्स बनानी है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी क्या बना रही हूँ। और वैलेंटाइंस डे तो खैर ऑब्वियसली नहीं मनाना होता, लेकिन सारी दुनिया एक दूसरे को प्यार का इजहार कर रही होती है, तो हम भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो बस मैं कुछ स्पेशल इसीलिए बनाने जा रही थी, और मुझे पता है कि शहजाद भी हमेशा फ्लावर्स, रोजेज, चॉकलेट्स वगैरह कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता एक दूसरे को, जो है ना, डेली बेसिस पे तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि एक्सप्रेस किया जा सके प्यार। किचन मैंने क्लीन अप कर लिया है, बस ये जो कारपोर से सामान आया है इसको मैं समेटूंगी बाद में। मैंने आज बनाने थे शामी कबाब, वो भी अब मैं कल पे पोस्टपोन कर रही हूँ। आज है 14th February, तो मैं शहजाद के लिए बना रही हूँ कुछ स्पेशल स्पेशल सा मीठा। मैं आज बहुत मजे की चीज बना रही हूँ। एक तो रेड वेलवेट मग केक है जो माइक्रोवेव में बनेंगे, ठीक है। तो चलिए वो तो रेड वेलवेट है, या तो आप किसी स्पेशल ओकेजन पे बनाएंगे, वैसे भी बना सकते हैं, या ये कि आप सोचेंगे वैलेंटाइंस डे पे बनेगा। एक और जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो जनाब आप किसी भी टाइम बना सकते हैं और आपको बहुत मजा आ जाएगा, और यू गाइज विल बी लाइक ड्रूलिंग। पता है मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ डेथ बाय चॉकलेट कुकीज। यस, यू हर्ड इट राइट। और इतनी मैं एक्साइटेड हूँ आपसे ये रेसिपी शेयर करने के लिए, और इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, सारा सामान वगैरह मैंने मेजर कर लिया है, और इस तरह से इजी हो जाता है कि आप जल्दी जल्दी रेसिपी को प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी कुकीज स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बटर निकाल के रूम टेम्परेचर पे इसको कर दिया, और उसमें मैंने डाली है शुगर और ब्राउन शुगर, ठीक है। तो एक वाइट जो नॉर्मल शुगर है वो है, और साथ ब्राउन शुगर, और इसको अच्छी तरह हमने क्रीम कर लेना है मिक्सचर को। इसमें शुगर डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन अच्छा सा लाइट एंड क्रीमी फ्लफी सा हो जाए मिक्सचर। तो उसमें हमने डाल देना है रूम टेम्परेचर पे एक एग। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और साथ ही मैंने इसमें वेनिला डाला है, और अच्छी तरह हम इसको बीट कर लेंगे। अभी हमने अच्छे से बीट कर लेना, जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो जस्ट हमने स्पैचुला की हेल्प से इनकॉर्पोरेट करना, उस वक्त हमने फिर ये बीटर नहीं यूज़ करना, वरना कुकीज़ जो है ना वो बहुत टफ से बन जाते हैं। सो इस टाइम पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया है एग बीटर का, यानी कि हैंड मिक्सर का। तो बस इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ मैदा। मैदा छान के डालना बहुत जरूरी है, बेशक साफ हो छान के डालें तो इससे बहुत अच्छा बेकिंग का रिजल्ट आता है। लाइट एरी फ्लफी सी जो भी डिजर्ट हो वो बनती है। साथ में मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और नमक डाला है, और कोको पाउडर डाला है, और बस इसको भी मैं छान लूंगी। कोको पाउडर ज्यादातर क्लम्पी सा होता है मॉइस्चर रिटेंशन की वजह से, सो इसके क्लम्प्स जो लम्स हैं वो भी खत्म हो जाए। स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो इसकी एक डो बन जाएगी बड़े मज़े की। इसके अंदर फिर हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे। मैं डाल रही हूँ मिल्क चॉकलेट चिप्स भी और डार्क भी, आप चाहें तो सिर्फ मिल्क चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, लेकिन ये डेथ बाय चॉकलेट है तो इसमें दोनों ही डालने चाहिए। चॉकलेट जाना वो मेरी और शहजाद की फेवरेट है, तो घर में अभी बेकिंग की खुशबू आ जाएगी। ऑलरेडी जो है ना वो फील हो रहा है कि बेकिंग हो रही है। ट्राई Yummy? अब मैंने ये आइसक्रीम स्कूप ले लिया, इसको पानी में डिप करती हूँ मैं, और फिर उससे मैं ये एक कुकी का जो है ना स्कूप निकाल लेती हूँ। इस तरह से क्या है कि एक ही साइज के कुकीज बन जाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसको ना पेड़े की तरह डो को रोल करके तो आप कुकीज बना सकते हैं। अच्छा, जब मैंने स्पून को किया है गीला पानी से, और इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। इसको अगर आप इसी तरह राउंड रखते हैं ना तो ये स्प्रेड नहीं होंगे, स्प्रेड होते हैं कुकीज लेकिन थोड़े से। सो आपको जो भी थिकनेस चाहिए ना कुकी की, उससे डबल आप इसको स्पून की हेल्प से थिकनेस दें। लेट से आपको 1/2 सेंटीमीटर थिक चाहिए कुकीज, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर थिक डो रखें, और 170 डिग्रीज पे मैंने प्री हीट किया हुआ ओवन, अपर लोअर दोनों रॉड पे, और 15 मिनट्स के लिए 150 डिग्रीज पे ये बेक हो जाएंगे। बेक होने की भी मैं आपको एग्जैक्ट निशानी अभी बताने वाली हूँ। रेड वेलवेट मग केक्स के लिए मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, और इसमें इतनी थोड़ी थोड़ी मेजरमेंट होती है कि आपको मेजरिंग स्पून ही यूज करने हो, हर बेकिंग में आपको स्पून और कप्स मेजरिंग वाले यूज करने चाहिए। तो मैंने इसमें डाला है मैदा, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कोको पाउडर। चारों के लिए मैं बना रही हूँ, मुझे लग रहा था मिशी बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन मिशी ने भी माशाल्लाह शौक से खाया था। अच्छा जी, अब इसमें भी जा रहा है बेकिंग सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे एक साथ ही, फिर उनको भी मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जा रहा है मिल्क,
अब इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, जो मग केक्स हैं उसमें ज्यादातर हाफ वन टीस्पून, 1/8 टीस्पून ही आता है। अभी ये विनेगर है, ये मैंने बोल में इसलिए डाल लिया कि ये 1/8 टीस्पून डालना है, तो डायरेक्ट बॉटल में से डाला तो सारा का सारा ही ना कप में गिर जाए। अच्छा जी, विनेगर डालने के बाद ये देखिए मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद रेड फूड कलर, ये लास्ट है हमारा इंग्रेडिएंट, और बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे माइक्रोवेव में 1 मिनट के ऊपर ये अच्छी तरह से बेक हो गए थे, 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर। तो आप पहले 1 मिनट करके देखेंगे माइक्रोवेव में, अगर इसमें टॉप फिर भी शाइनी सा लगता है तो आप इसको फिर 1 मिनट मतलब 10 सेकंड के लिए और कर लेंगे। 1 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना, नहीं तो केक रबरी सा हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसको 10 सेकंड और कर लूंगी। सहारा मॉल आया उधर गुड़िया के लिए वैलेंटाइन से गिफ्ट लेने के लिए, सरप्राइज होगा उसके लिए। ये गुड़िया गिफ्ट ले लिया था सरप्राइज के लिए उसके स्वरोवस्की से, और ये चेक कर रहे उसके लिए रोज लेने आया था, तो ये चेक कर रहे लाइन तलबात की, और ये रोजेस भी ले लिए गुड़िया ते मिशी, एंड फाइनली मुझे भी इस साल मिलेगा ये, और ये गुड़िया का सरप्राइज। शहजाद का ये जेस्चर मुझे इतना अच्छा लगा कि शहजाद ने मुझे सरप्राइज तो दिया, लेकिन शहजाद ने मेरे लिए वीडियो क्लिप्स भी बनाए हुए थे, सो थैंक यू शहजाद जब आप ये वीडियो देखेंगे। अच्छा जी, ये मैं बना रही हूँ गनाश, तो मैंने ये क्रीम जो है ना इसको हीट कर लिया ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर तक, 30 से 40 सेकेंड माइक्रोवेव में करें आप इसको क्रीम को, ये जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना बगैर शुगर के वो वाली है, और इसमें मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दी हैं। थोड़ी देर में ऐसे 10-12 सेकेंड में ये मेल्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो ये फिर एक ऐसे चॉकलेटी सा मिक्सचर बन जाएगा। जल्दी मैंने इसकी कोटिंग करनी है, इस वक्त ये बहुत थिन होता है, थोड़ा सा ये पड़ा रहेगा ना तो थिक होता है, तो मैंने इसको जल्दी से फ्रीजर में रख दिया, जरा सा थिक होगा फिर कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये पहला बैच है ना, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, तो जेन में रखे कि ये भी बेकिंग क्लास है। ओके, तो ये देखिए ये ठंडे हो गए, ठीक है, ये आपको फील हो रहा है ये क्रंची हो गया। ओके, तो लेकिन ये जब मैंने निकाला था उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त ये इस तरह का था, ये गर्म है, एक मिनट, उस वक्त ये ऐसे होते हैं, ये देखें इसको प्रेस करेंगे, ये देखें मैंने ज्यादा जोर से प्रेस किया ताकि आप देख सकें, ये देखें, ठीक है, ये प्रेस हो जाते हैं, जबकि अभी अभी ये प्रेस नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कुकी जो है ना उसके बेक होने की हमेशा एक निशानी होती है, जब आप कुकी बनाते हैं ना तो आपको उसकी सरफेस पता है शाइनी सी होती है, क्योंकि उसमें बटर वगैरह होता है, काफी शाइनी कुकी होता है, तो जो आप जब उसे बेक करना शुरू करते हैं तो पहले किनारे डल होने शुरू होते हैं, फिर वो सेंटर में से शाइनी रह जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सेंटर में से भी शाइन खत्म हो जाती है, तो वो मोमेंट होता है कि आप कुकीज को अवन से निकाल लें। अगर आप उस वक्त भी उसको बेक करते रहेंगे, क्योंकि आप टच करके देखेंगे तो वो ये तो सॉफ्ट है, आप बेक करते जाएंगे तो वो लकड़ी जैसे फिर जो है ना वो हार्ड कुकीज बनेंगे जब वो ठंडे होंगे। मग केक बस आखिरी वाला अब माइक्रोवेव में है, और उतने में मैंने सोचा कि इसका एक स्टेंसिल भी बना लेते हैं हार्ट वाला, तो ये फॉइल को मैंने ना स्क्वायर बना दिया और इसके ऊपर मैंने शेप बना दिया हार्ट की, और इसको मैंने कट आउट कर लिया है, और एक क्यूट सा ये हार्ट हमारे पास बन गया। अब आगे डेकोरेशन मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ईजी सी होती है लेकिन बहुत क्यूट लगती है। अच्छा जी, ये देखें थोड़ी सी थिक हो गई हमारा गनाश, तो इसको हमने कुकीज के टॉप पे हमने ऐसे पूरा कुकी डिप किया है, उसके टॉप पे जो है ना वो फिर हमने ये बादाम जो है ना ये क्रश्ड आलमंड्स ये डाल दिए। ये देखिए ऐसे मैंने इसको किया है, डिप किया छोटे बोल में इसलिए डाला ताकि ज्यादा डिप हो जाए ना, हाफ कुकी डिप किया हुआ बड़ा क्यूट लगता है, और इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिया। अच्छा, ये गनाश है ना बिल्कुल सॉलिड नहीं होगा, ये स्टिकी सा रहेगा क्योंकि ये गनाश है। अगर आपको चाहिए फ्रिज में रखेंगे हाँ फिर थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर चाहें आपके आपको हार्ड वाला चाहिए तो आप इसके ऊपर चॉकलेट की डायरेक्ट कोटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसके ऊपर डाली है आइसिंग शुगर, कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह से, और ये हार्ट्स इस तरह से रेडी हो गए हैं। सिंपल सिंपल सी डेकोरेशन है लेकिन मज़ा बहुत आता है, मुझे डेकोरेशन करना चाहे वो कुकिंग में हो कोई या बेकिंग में हो, बहुत मज़ा आता है। तवा से लिखा हुआ है फ्रेंडशिप इजंट अ बिग थिंग, इट्स मिलियन लिटिल थिंग्स। नाइस मैसेज फ्रॉम स्टारबक्स, कॉफी विद अ फ्रेंड, फ्रेंड्स लिखा, कॉफी विद फ्रेंड्स लाइक कैप्चर हैप्पीनेस इन अ कप। Oh, that's so nice of them, they have it, you know?
तो ये हैं जी हमारे डेथ बाय चॉकलेट कुकीज, और ये गनाश में कोटिंग इसलिए की है क्योंकि ये केक पे बेस्ड है, ठीक है, नहीं तो आप चॉकलेट में भी कोटिंग कर सकते हैं। और ये हैं हमारे रेड वेलवेट मग केक जो कि बहुत बहुत ईजी होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। तो शहजाद आए थे, कह रहे थे मैं नीचे ज़रा जा रहा हूँ, तो ये अपना सरप्राइज़ लेने के लिए आ रहे थे, मैंने देखा ज़्यादा फ्लावर्स हैं तो मैंने बच्चों को भी बुला लिया कि मुझे पता चल गया कि बच्चों के लिए भी इस बार लेके आए हैं। नहीं कैस कर रहा, मुझे ओके टाइम हो गया है। हाँ जी चले तय, इधर आ जाओ सारे। गुड़िया इसको तो साइड पे रखे ना आप, जरा मिशू कम हियर, आप जरा दरवाजे के बाहर जाए ना, आपका सरप्राइज बड़ा हो। आई वॉन्ट टू सी दिस, आई रियली वॉन्ट टू सी दिस। ओ ये क्या हो गया, कोई उठा के ले गया गुड़िया। अंदर तो आए हैं, ये क्या हुआ? हो मैं देखो तुसी I want to capture this. I don't know what's थोड़ा साइड पे हो जाओ ना, मुझे I really want to see this. Opening ceremony करें हमारे। Show one second बेटा। You're going to get married. I'm already married to your boss. No, you need a ring. ये क्या है? Heart beating so fast. Huh? It's already beating. I told you. लेटेस्ट अराइवल। हाँ जी When you say only $1,100, just take it away and steal it. मॉल्स में जाके हमेशा मैं स्वेरोस्की के देखती हूँ, ये प्योर क्रिस्टल है और लिमिटेड एडिशन है और ब्रांड न्यू है, लेटेस्ट मॉडल इनका। मुझे ये इतना प्यारा लगा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला बस इसी तरह हमारा प्यार कायम रखे, आमीन सुमामीन। थैंक यू सो मच आप जो हम सब के लिए दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह ताला आपको भी बेइंतहा खुशियां दें, आपकी सब हाजात को कबूल फरमाए, आमीन। तो ये है जी हमारा टेबल जो कि बहुत क्यूट हो गए शहजाद के रोजेज लाने से और ये जो नेकलेस है उसके लाने से, तो ये हमारी टोटल टेबल है। और साथ में कॉफी भी ऑर्डर कर ली थी स्टारबक्स से, तो वो बड़ा मजे का सीन हो गया था टोटल। इसके साथ किसी को क्रीम चाहिए? फ्लफ वाली? आई वांट, आई हैव कॉफी विद इट। गो गेट क्रीम। कैसा है केक? अमेजिंग, वेरी गुड।
वेरी नाइस गुड़िया सॉफ्ट है मां बहुत सॉफ्ट है गुड़िया मामा इज थैंक यू मामा इतना मजे है थैंक यू मेजान मजा आ गया गुड़िया वेरी नाइस फॉर कॉफी ये मुझे वो रमादा वाला ब्रेड वेलवेट केक याद आता है और फिर हां हां अ बिग फ्लावर ओए थैंक यू अच्छा है ना कितना सॉफ्ट है ये देखा ये दोबारा करके दिखाती हूँ ये देखिए बहुत ही मजे का है जरूर ट्राई करें डेथ बाय चॉकलेट कुकीज थैंक यू दूध पत्ती होती है उसमें डुबो के खाते हैं बंदा मजा आता है यार वापस प्लीज हमी तो है ही ये तो तारीफ करते ही लेकिन छोटा सा इससे एक्सपेक्ट नहीं करती मैं व्हाई नॉट फॉर योर ब्रदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दुआ में याद रखिए अपना ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़